अपने राज्य की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य भगवान जी हेलो, आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से प्रेरणा से यहाँ सभी लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे अपने अपने स्थान पर। सभी लोग कृपा करके सभी लोग बैठिए, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, पूरे पंडाल में कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, सभी लोग बैठिए। कृपा करके सभी लोगों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठिए, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से प्रेरणा से अभी आपको जो योजना बताई उसमें आज के दिन आपको कम से कम छत्र जमर भामंडल 55,555 के ऊपर की दान राशि की स्वीकृति किसके द्वारा, जिसके द्वारा आएगी, उनको आज आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने का अवसर मिलेगा। शास्त्रदान करने के लिए हम निमंत्रित कर गए सुभाष केशरलाल जी जैन, शेंदुरनी, जिला जलगांव निवासी। वे आए, इन्होंने आज के दिन 100 फुट की एक प्रतिमा जी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। वे आएंगे सपरिवार और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। सुभाष केशरलाल जी जैन, शेंदुरनी, जिला जलगांव निवासी, एक भगवान जी के प्रतिमा। प्रवीण जी गांधी, सर वैशाली गांधी, हेमांशी श्रीमती प्रभा गांधी, इंदौर निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए यहाँ 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के, आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। इंदौर निवासी प्रवीण जी गांधी, चलिए इनको भी दे दीजिए, एक है इनका एक। आज यहाँ मनावर से दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज आई है, उनके दो प्रतिनिधि आएंगे यहाँ आचार्य भगवान जी के चरणों में निवेदन करेंगे। मनावर में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने वाला है, उसके लिए आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ मनावर की समाज आई है, उनके दो प्रतिनिधि आएंगे। बाकी के अपने अपने जगह पर बैठ करके आचार्य भगवान जी के चरणों में नमस्तु प्रेषित करेंगे। विदिशा शीतल धाम से, विदिशा शीतल धाम से भी ट्रस्टी आए, उनके भी ट्रस्टी के एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डिंडोरी से भी यहाँ मनोज जी जैन, आलोक जी जैन, अमित जी जैन आए, डिंडोरी समाज की भावना है, वेदी प्रतिष्ठा की भावना लेकर के आए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुनिसंघ गौशाला लोनार के लिए यहाँ आशीर्वाद पाने के लिए मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संदान सागर जी महाराज जी के प्रेरणा से वहाँ गौशाला शुरू है, उसके प्रतिनिधि आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजन प्रारंभ करें सभी लोग अपने अपने कृपया प्रतिनिधि की, बिना जंक्शन के केवल दो प्रतिनिधि आएंगे, बिना बारह की भी कमिटी आई है, वे भी आएंगे, केवल दो प्रतिनिधि। सभी लोगों से निवेदन है जहां से समाज है वहां से केवल दो प्रतिनिधि आएंगे। छोड़ो नहीं उनका, कहां जा रहे हैं? जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की। बिना जी जंक्शन से भी समाज के प्रतिनिधि आए, उनके भी एक प्रतिनिधि केवल आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे संत शिरोमणि विद्यासागर, हम के भगवान हो आप, इस जीवन का आधार हो आप, पंचम युग के अवतार हो आप, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन के हर चर बन पड़े स्वयं ही नव गाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिल
गौरवम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र सवष्टि आह्वाननम अत्र तिष्ठतिष्ठतो स्थापनम अत्र सन्नितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम संसारिक विषय परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपयामिति स्वाहा शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है चंदन सम से तलता पानी अब शरण आपकी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाश में चंदनम निरूपयामिति स्वाहा पहचाना अपने तो केवल सपने थे भ्रमार जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपयामिति स्वाहा मतवाला कृष्णा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस ही तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ आय मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपयामिति स्वाहा था कथा भव भव में कहता अति भक्ष बाकी फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख भगाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामिति स्वाहा अंधकार से व्याकुल है मुझको नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तन दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बात से ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामिति स्वाहा था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था सब शुभ कर्म समर्पित है मैं जलाए
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्ट कर्म दवनाय धूपम निरूपयामिति स्वाहा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपयामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अन्नर की पद प्राप्ति आरोग्यम निरूपयामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अन्नर की प्राप्त जय माला नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। यहाँ मनीष जी जैन और राजेंद्र जी सेठी यहाँ सीए हैं जो पूरा चौमासा का और शिरपुर का हिसाब देख रहे हुए आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलो जल्दी चलो आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की। काव्य ख्याति के अनुसार सुनने में पढ़ने को मिलता है सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, ऐसा ऐसी काव्य ख्याति है। जब कभी इसका विश्लेषण करेंगे कवि लोग इसको अवश्य उल्लेखित करते हैं। ऐसा कौन सा क्षार पदार्थ है जो सिंगनी के दूध में व चांदी का भी पात्र को छान करके नीचे चला जाता, तांबे को भी और कोई भी केवल स्वर्ण पात्र मात्र शेष रहता है, उसमें वह टिक जाता है। ये तो हो गए काव्य ख्याति।
और इस प्रकार यदि विश्वास हम करते हैं और इधर तुलना करते हैं, आज नवजात शेरनी का वह शिशु शावक जब वह दूध पीता है तो स्वर्ण पात्र से भी उसका कठोर उदर पेट होगा, जठर जठर में जो अन्नाशय जिसको बोलते अन्न जहाँ पर पकता है, तो यह जाने के उपरांत उसको भी छानना चाहिए था, क्योंकि जब रजत पात्र भी छन जाता है छिद्र हो जाते हैं तो उस शावक के हाथों में वह दूध टिका कैसे, टिका है ये पक्का है, पक गया है ये भी पक्का है, और उसे अन्य धातुओं के रूप में परिवर्तित भी होना देखते हैं, स्पष्ट है कि उसके पास इतनी क्षमता है। अब हम चलते हैं, ये जब शुद्ध हो जाता है तो आपके यहाँ वेदी के नीचे वहाँ पर एक सिंगनी है, उसके सामने गैया है, और गैया के दूध को सिंगनी का शावक वह पी रहा है, और गैया का बछड़ा सिंगनी के दूध पी रहा है। इसका अर्थ यह है 100 गुणित तेज उस बछड़े के पास है जो सिंगनी का दूध पी गया, और यह प्रतिदिन पीता गया। 6 महीने तक तो सिंगनी और कुछ पिलाती ही नहीं और वह मांगता भी नहीं, जब कभी भी पीना तो माँ के वह दूध को पीना। हमने कई बार सोचा हे भगवान, या तो इसमें कमी है या तो इसमें कमी है, काव्य ख्याति में गलत लिखा गया। यदि लिखा गया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शावक वो पीता है सिंगनी का बेटा, किंतु गाय बछड़ा कैसे पी रहा है? ध्यान रखो, गाय के पेट में ऐसा रसायन है जो घास फूस और अनेक प्रकार के पत्ते आदि भूसा आदि खा लेता है, और उसमें से कौन से ऐसे आपके पास भट्टी है जो दूध के रूप में परिवर्तित कर दे? ये अमृत हो गया, और वह घास फूस खा जाती है, और मान लो मत दियावसान को प्राप्त हो जाए और वह लड़का रह जाता है, वह भी पीता चला जाता है, ये कैसा संभव है? तो आचार्य कहते हैं भिन्न भिन्न पात्रों के अनुसार भिन्न भिन्न यह पाचन होता रहता है। इसमें हम लोग अपने बुद्धि से सोचते रहते हैं, ऐसा कार्य नहीं होता, क्योंकि अपने अपने उपादान के अनुसार
और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न क्षेत्रों में भिन्न व्यक्तियों के निमित्त से भिन्न भिन्न परिणाम होते हुए देखते हैं। जहाँ पर 500 इंच की वर्षा होती है, कैसी है धरती कहती है और भी 500 हो जाए तो हम ठीक कर देंगे। 1000 इंच भी वर्षा हो जाए तो धरती कहती है इसके पास इतनी क्षमता विद्यमान है और उसको वह पी लेता हूँ। राजवार्तिक कार ने एक स्थान पर लिखा है, पृथ्वी को पहले क्यों रखा, फिर जल और अग्नि और वायु वनस्पति को एक प्रकार से एक धातु नहीं मानते, तो इस प्रकार क्रम क्यों रखा। यदि धारण करने की क्षमता है तो एकमात्र धरती के पास ही रहती है और किसी तत्व के पास नहीं। अरे थोड़े से पानी गिर जाए, गीली हो जाए, नहीं इसके पास कहाँ क्षमता, तुम देखते रहियो। उस बीज को कोई भी अंकुरित नहीं कर सकता और पानी आ भी जाए तो भी वह गलता ही नहीं बीज, किंतु धरती उसको सुरक्षित करती है 4-5 महीने और अपने तत्व को दे देती है। और आप लोग जिस पर बैठे हो आनंद का अनुभव कर रहे हो, हाँ आटा आपको उसी बीज से उत्पन्न होता है। धरती यदि नहीं है, जल में उनको रखो तो कभी भी नहीं आए। क्या समझ रहे हो आप, नोट के माध्यम से चल रहे हो, नहीं समझे, और इस नोट के माध्यम से वोट ले रहे हो और वोट के माध्यम से क्या कर रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आता। वह भी तत्व ये भी तत्व जल को धारण करने की क्षमता नीचे और न जाए इसलिए उसको सुखो करके वहीं के वहीं रख देता है। तालाब नया बनाया जाता है, खोद करके किसानों के माध्यम से वो कहते हैं इसमें पत्थर नहीं लगा करके मिट्टी से पोत दो तो यहाँ तालाब का पूरा जल लबालब तवा तालाब बहेगा। और उसके लिए कुछ खिड़कियाँ रखो, उनमें से अधिक पानी बाहर चला जाए, बाकी वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। और इसने नहीं देता तालाब उस पानी को ज्यों का त्यों रखता है, उस पानी का उपयोग किसान मीलों दूर तक ले जाता है और उसके माध्यम से धरती फलवती हो करके आप लोगों को अन्न प्रदान करती है। यह 3-4 धातुएं एक प्रकार से ऐसे हैं जो ये परिवर्तन में कारण होते चले जाते हैं। हम अब थोड़ा सा अध्यात्म की ओर देखते हैं, गुरु जी के वचन मिलते हैं, सुन लेते हैं, पशु भी सुन लेता है, छोटा लड़का 8 वर्ष जिसको आप बोलते हैं वो भी सुन लेता है, और
और क्या, पशुओं में अलग स्थिति है, वह भी सुन करके सम्यक दर्शन और देश संयम भी धारण कर लेते हैं और वह शब्द जा करके उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव डालता तो वह भगवान जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। और उसमें सेवा से लब्धिस्थान आ जाता है। सामान्य व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसका असर उसके ऊपर नहीं होता और उसके माध्यम से वह परिवर्तित होकर के जीवन में पंचम गुणस्थान के योग सेवा स्वयं लब्धिस्थान बन जाता। पूर्व कोटि वर्ष तक यह उसकी स्थिति रह सकती है। कई प्रकार के प्रकृति में तूफान उठ गए तो भी वह संयम लब्धिस्थान उसका मिटता नहीं। उत्पन्न हुआ और मिटने के बहुत साधन होते हुए भी मिटता नहीं है। ऐसे कौन से उसने तत्व उसमें डाला, करुणा के करुणा करुणा धार, एक करुणा के साथ इसका भी जीवन सुधर जाए तो वहाँ सिंह भी है, सर्प भी है, नौला भी है, अनेक प्रकार के हिंसक जीव भी इस सम्यक दर्शन आदि तत्व को स्वीकार कर लेते। इसलिए कभी भी आश्चर्य फिर ज्ञानी को नहीं होता कि क्या ये है, सिद्धांत क्या है, परिणाम क्या है, भिन्न भिन्न प्रकृति भिन्न भिन्न गति होते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में वह निमित्त भले बन जाता है, उपादान में इस प्रकार का रसायन परिणमन हो जाता है और हम बाद में आंखें खोल देते हैं कि वाह वाह, ये सब इन आंखों से नहीं दिखता। बंधुओं, सर्वज्ञ के जो वचन है इन वस्तुओं का कथन नहीं करता, किंतु वह एक प्रकार से गुह्य अर्थ जो है, जो छुपा हुआ है, उसके बारे में गंधर्व परमेश्वर को समझाते हैं। तुम इसका रहस्य जनता को कहो और उनका इसके श्रवण करने से उद्धार हो जाए। तो आपके सामने क्षमता की बात पशुओं के माध्यम से, सिंह के माध्यम से, दूध के माध्यम से आदि आदि बता दिया रखा है। इसके अलावा भी और कई प्रकार के परिणाम होते होंगे और वह सारा का सारा वर्णनीय होते हुए भी प्रयोजनीय नहीं है। इसलिए द्वादशांग में उतना ही उल्लेख करके हम लोगों के कल्याण हेतु ये वचन दिए गए हैं। समय आपका हो गया है और इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सिंगनी का सावक और गैया का बछड़ा ये और यह भूसे के माध्यम से दूध का होना, दूध के विधिवत तपाना इत्यादि होने से घृत तक उसकी उत्पत्ति हो जाना और उसके थोड़े से छटांग पर लेने से पहलवान बनने की क्षमता भी आ जाना, ये सब सामान्य व्यक्ति खा लेता पी लेता और हो गया।
लेकिन वहाँ वहाँ तक पहुँच जाता है और घी दूध इत्यादि के श्रावक सेवन करता और त्यागियों को भी देता है तो उसके माध्यम से ध्यान की उत्पत्ति हो जाती है और उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। धन्य है, ऐसे यह रसायन की प्रक्रिया है। अहिंसा परमो धर्म की जलो। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की।